Hello, my dear kids. How are you? I am Payal, your math teacher. Today, we will start our new chapter of our mathematics book by Brain Root series. The name of our book is Mathematics Whirlwind Pre-Primer. आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2. और हमारे चैप्टर का क्या नाम है? आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन. तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक इज ट्विन पिक्चर. ट्विन पिक्चर्स क्या होती हैं बच्चों? ट्विन पिक्चर्स वो होती हैं जब एक जैसी दो पिक्चर दे रखी हो. तो देखिए, इन सर्कल टू आइडेंटिकल पिक्चर इन ईच गिवन कॉलम. आपको क्या करना है, हर एक कॉलम में दो एक जैसी पिक्चर दी हुई है, आपको उन पर सर्कल करना है. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ टोमेटो, पोटैटो, ओनियन. अगेन देयर इज अ पिक्चर ऑफ टोमेटो. सो वी विल मेक अ सर्कल ऑन टोमेटो. नेक्स्ट देयर इज अ बॉय, मैन, गर्ल. अगेन देयर इज अ पिक्चर ऑफ गर्ल. सो वी विल मेक अ सर्कल ऑन द पिक्चर ऑफ गर्ल. द नेक्स्ट हॉर्स, मंकी. Again monkey and an elephant. So we will make a circle on the picture of monkey. And the last one you have to do by yourself. So the next topic is identifying figures. आपको इसमें क्या करना है, जो पिक्चर एक जैसी लगती हैं उनको identify करना है. Match identical pair with each other by drawing lines. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, जो पिक्चर्स देखने में एक जैसी लगती हैं बच्चों, आपको उसको मैच करना है. तो देखिए, फर्स्ट पिक्चर जैसी पिक्चर कहाँ पर है? दिस वन एंड द दिस वन इज सेम. सो वी विल मैच दिस पिक्चर विथ दिस पिक्चर. नेक्स्ट द पिंक वन. सो वी हैव टू लुक विच पिक्चर इज सेम एज दिस पिक्चर. सो दिस पिक्चर एंड दिस पिक्चर इज same. Now the green one, here is a picture of orange circle, then blue circle, again blue circle, and here is a picture of green. So we will match this one to this one. Rest two you will do by yourself. Now the next one is fish silhouettes. Iska matlab hota hai ki jo picture de rakhi ho aapko uski same parchhai se usko मैच करना. सो द फर्स्ट वन इज दिस पिक्चर. तो इसके जैसी सेम परछाई कहां पर है? वी विल मैच दिस पिक्चर टू दिस वन. द नेक्स्ट अनदर फिश वी हैव टू आइडेंटिफाई वेयर इज द सेम सिल्वेट ऑफ दिस पिक्चर. सो दिस वन एंड दिस वन इज सेम. रेस्ट ऑफ द मैचिंग यू विल डू बाय योरसेल्फ. So, in chapter number 2, we will learn about the identifying figure. So, stay tuned for the next video. Thank you.